जबरदस्त कितने खतरनाक तरीके से ये टक्कर हुई है। पूरे तौर पर गाड़ी का अगला हिस्सा डैमेज हो चुका है। प्राइम न्यूज पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हादसे के फौरन बाद प्राइम न्यूज की टीम वहां पर पहुंची और आप तक ये हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। दरअसल हादसा है लेकिन दुखद खबर है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुरादनगर के NH58 की पूरी घटना है जहां पर यह हादसा हुआ। बस ने दरअसल कार को टक्कर मारी है, जोरदार टक्कर हुई, एक शख्स घायल है, 4 की मौत हो चुकी है। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता गाजियाबाद से लूडी से हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जो तस्वीरें आपने भेजी उससे देखकर अंदाजा लगता है कि कितने खतरनाक तरीके से यह एक्सीडेंट हुआ है। 4 लोगों की मौतें हुई है। बिल्कुल सर, आपको बताना चाहते हैं गाजियाबाद के मुरादनगर NH58 का मामला है जहां पर मेरठ की तरफ से गाजियाबाद की तरफ तेज रफ्तार से आती हुई स्विफ्ट कार अपने नियंत्रण को खो दिया और उसके बाद वो डिवाइडर से टकराकर सीधा वो बस से टकरा गई। आपको बता दें कि इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक जो युवक था वो जख्मी हालत में, गंभीर हालत में उसको दिल्ली के GTG अस्पताल में रेफर किया गया है। आपको बता दें कि कार की तेज रफ्तार थी, रफ्तार इतनी तेज रही होगी कि वो डिवाइडर से टकराने के बाद गाजियाबाद से उल्टा मेरठ की तरफ जाते हुए एक बस से टकराई। बस में भी काफी क्षतिग्रस्त हुई है बस भी, और जो गाड़ी थी स्विफ्ट HR 9000 नंबर उस गाड़ी का है वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई और जिसमें सवार 3 युवक मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा, शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो NH58 की ये पूरी घटना मुरादनगर के इलाके में हुई है जहां पर 4 लोगों की मौत हुई, एक शख्स पूरी तरीके से घायल हुआ इस हादसे में। और चलिए 10 बजे